रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे भैन भरा तो मेरे बच्चे मैं ना आज गोभी के पकौड़े बना रही तो आलू के भी पकौड़े बनावांगी। ये गोभी के पकौड़े ना मेरे मियाँ शाह साहब नूं बहुत पसंद सी और ये बहुत अच्छे बनते हैं। जरा देखना ऐ वेच हुण मैं इहदे धनिया पा दिता, ऐ वेच पुदीना पा दिता मैं, ਇਹ ਹਲਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਚਮਚ ਦਾ, ਇਹ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਮੈਂ ਨਮਕ ਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਚਮਚ, सुका धनिया पा दिता, मजेदार लगता ना धनिया थले जो आता वा। तो मैं ना जीरा पा दिता थोड़ा जहा सुका धनिया जीरा, ऐ मैं बेसन पा दिता ना कोई पौना कप बेसन का। मैं देखो गोभी इस तरह मैं कट ली सी ना बरीक बरीक लंबी लंबी ए सारी, हूँ सारा कुछ पहले मैं मिक्स कर लाँगी फिर पानी बहुत अच्छी गोभी तो है ना, मैं हूँ इस तरह इसे मिक्स कर लाँगी सारे सारा कुछ। बेसन बहुत ज़्यादा नहीं पावे ये, ना गोभी दे ना इस तरह ना आ पकौड़े बना लवानगी अज ही साडा गर्म हो गया उस मैं पाई ने बहुत अच्छे पकौड़े बन इस तरह विच वो भी देखना सी इस तरह कटी कितनी अच्छे तरीके से। हम एक मिनट तो बाद असी साइड बदलेंगे, देखो असी हूँ ना एक मिनट तो बाद साइड ही अलटा है। आलू दे जड़े असी एक पहलों घोल नहीं करके रखना चाहिए, ये असी आ दो मैदे दे पाते चम्मच असी दो चम्मच पा लिया मैदे दे, एक दो और तीन असी बेसन दे पा लिया ए ना असी वेचा प्याज एक कर लिया चौप वो पा दिता ते दो हरिया मिर्चा चम्मच मिर्चा का पाता मैं नमक पाता चौथाई चम्मच हल्दी पाती चौथाई सुक्का धनिया पा दिता धनिया पा दिता सुका थोड़ा जहा ये ना असी तरते तरह करना बाजार की तरह लगे ए
धनिया पा दिता पुदीना पा दिता ए ना थोड़ा जहा पानी पा के असि इन्ना ज्यादा नहीं पानी पावे थोड़ा जहा छिट्टा ही देवे लच्छेदार देखो माशाल्लाह साढ़े गोभी के पकौड़े भी किन्ने अच्छे बन रहे हूँ असी आलू के भी पकौड़े पा देवे ये भी लच्छेदार साढ़े बन जाए इस तरह यह हूँ मैं बेचा देखो ये साढ़े माशाल्लाह लच्छेदार बनन दे बहुत अच्छे आलू देखो माशाल्लाह साढ़े किन्ने अच्छे यह गोभी वाले पकौड़े तैयार हो गए हैं तो यह साढ़े आलू दिया देखो इस तरह के ना लच्छेदार पकौड़े तैयार हुए इस तरह पकौड़े तैयार करो साढ़े चैनल में ज्वाइन करो ओके करो और वीडियो पूरी देखो अच्छा फिर अल्लाह हाफज़ और साढ़े इंस्टाग्राम में फॉलो करो वो तस्वीर देखा करो और बैल दे दिया करो साड़ी अगली वीडियो आ जाए।